प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, कौन है ज्यादा अमीर? भाई बहन में किसके पास है करोड़ों की संपत्ति? करोड़पति की रेस में कौन है सबसे आगे? प्रियंका गांधी ने चुनावी हलफनामे में किया खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। देश की सभी सियासी पार्टियां परिवारवाद के रोग से ग्रसित हैं। कई राजनेता और कई दल इसी की चपेट में हैं। लेकिन अक्सर बहस सिर्फ नेहरू गांधी परिवार को लेकर इसलिए होती है क्योंकि कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, तो जाहिर है कि उसमें वंशवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। गांधी परिवार की राजनीति में आने का सिलसिला पंडित मोतीलाल नेहरू से शुरू होता है और फिर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और आज की सदी में इसकी कमान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथों में है। ऐसे में दशकों से भारत की राजनीति में रहने वाले परिवार की संपत्ति भी काफी अधिक होगी, इसमें कोई दोहराए नहीं। अगर हम राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की बात करें तो इन तीनों की संपत्ति भी करोड़ों में है। लेकिन इस रेस में कौन सबसे आगे है, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तीन क्रिमिनल केस, करोड़ों रुपए के सोने चांदी के आभूषण और शिमला में करोड़ों का मकान, ये प्रोफाइल है वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी वाड्रा की। राहुल गांधी द्वारा ये सीट छोड़े जाने के बाद कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा था। प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने बुधवार को नामांकन पत्र दायर किया है जिससे पता चला है कि प्रियंका गांधी करोड़ों रुपए की मालकिन है। प्रियंका गांधी के नाम करोड़ों रुपए का एग्रीकल्चर लैंड भी है जिसे वह अपने भाई राहुल गांधी के साथ साझा करती है। पेशे से खुद को नेता बताने वाली प्रियंका गांधी का सोर्स ऑफ इनकम क्या है और उनके पास कितनी चल अचल संपत्ति है, देखिए। प्रियंका गांधी के हलफनामे के अनुसार शिमला में उनका 5,63,00,000 रुपए का घर भी शामिल है। अचल संपत्ति की कीमत 7,74,00,000 रुपए से अधिक है। एक फार्म हाउस है जिसकी कीमत 2,10,00,000 रुपए से अधिक है। म्यूचुअल फंड में कुल 2,24,00,000 और 93,000 रुपए का निवेश है। इनके पास 3 बैंक अकाउंट है जिसमें 3,61,000 रुपए से ज्यादा डिपॉजिट है। प्रियंका गांधी वाड्रा के पीपीएफ अकाउंट में 17,38,285 रुपए थे। प्रियंका गांधी वाड्रा के पास 59.83 किलो के चांदी से बनी चीजें हैं जिसकी वैल्यू 29,55,581 रुपए है। 2.5 किलो सोना है, इसकी कीमत 1,15,79,000 रुपए है। प्रियंका गांधी के पास 8,00,000 रुपए की होंडा सीआरवी कार है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस साल जून में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान अपने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति की घोषणा की थी जिसमें राहुल गांधी ने 20,00,000,000 रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की थी। राहुल गांधी ने 9,24,59,264 रुपए की चल संपत्ति घोषित की जिसमें 4,33,60,519 रुपए के शेयर, 3,81,33,572 रुपए के म्यूचुअल फंड, 26,25,157 रुपए का बैंक बैलेंस, 333.3 ग्राम सोना और 4,20,850 रुपए के आभूषण, 15,21,740 रुपए के सोने के बॉन्ड शामिल हैं। राहुल गांधी ने 11,15,02,598 रुपए की अचल संपत्ति घोषित की है जिसमें 9,04,89,000 रुपए की खुद अर्जित संपत्ति, 2,10,13,598 रुपए की विरासत में मिली संपत्ति, 55,000 रुपए नकद और 49,79,184 रुपए की देनदारी घोषित है। सुल्तानपुर गांव में लगभग 3.778 एकड़ की कृषि भूमि शामिल है। गुरुग्राम में सिग्नेचर टावर्स में 5,838 वर्ग फीट का व्यावसायिक अपार्टमेंट है। व्यावसायिक अपार्टमेंट की कीमत लगभग 9.05 करोड़ रुपए है।